तो अब बांग्लादेश कंगाली की हालात में आने के बावजूद भी भारत से चोरी छुपे बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जिस तरीके की हरकतें हाल ही में मालदीव और कुछ सालों पहले श्रीलंका ने किया था, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर अपने देश में चीनी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कमजोर हो रहा है और भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बिगड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश में घुसकर सोलर पैनल के कारखाने खोलने जा रहा है। और अगर चीन की ज्यादातर कंपनियां बांग्लादेश में आती हैं, तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक तरीके से भारत के बीच में कब्जा मिल जाएगा जहाँ से वह भारत के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नई सरकार चीन के साथ मिलकर एक के बाद एक नए फैसले लगातार लेती जा रही है, क्योंकि न सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली चीन की कंपनियों को अपने देश में बुलाया है, बल्कि भारत के कोलकाता शहर में बांग्लादेश के दो ऐसे लोगों को वहां की नई सरकार ने वापस बुला लिया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डिप्लोमेसी की देखभाल कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार शायद यह भूल चुकी है कि उनकी कंडीशन पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, और ऐसे में यदि यह भारत को अपने तेवर दिखाते हैं तो आगे चलकर उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पूरी अपडेट्स क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक कट्टर हिंदू हैं और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही हैं, जिसके कारण भारत का तो थोड़ा बहुत नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे वहाँ दिन पर दिन नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही है, जिसके कारण बांग्लादेश का जो ज्यादातर कारोबार है वह पूरी तरह से रुक गया है। और बांग्लादेश की ज्यादातर कमाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है और वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे वहां की लगभग सभी फैक्ट्रीज और कारखाने बंद पड़े हैं, और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो भी रहा है वह खुद ही उनके देश में कंज्यूम हो जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की कमाई लगभग न के बराबर हो रही है, और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में जो लगभग $20 बिलियन बचा हुआ था वह भी तेजी के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो रही है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और खाने के लाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कि उनकी इकोनॉमी सड़क पर आ चुकी है, और इस समय बांग्लादेश पर लगभग $175 बिलियन का बकाया हो चुका है, जिसमें भारत की भी कई कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों से भारत के कई एयरपोर्ट और पावर जनरेशन प्लांट को पेमेंट नहीं किया है, जहाँ से डायरेक्टली सुविधाओं का लाभ भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होने की कंडीशन पर पहुंच रही है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर चुकी है कि उन्हें अपने देश का भला भी नहीं दिख रहा है, इसलिए भारत की कई कंपनियां और फैक्ट्रीज बांग्लादेश में बंद पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा चीन को न्योता दिया जा चुका है कि चीन की सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां कुछ फैक्ट्रीज को बांग्लादेश में सेटअप करें और यहां पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करें, जबकि ऑलरेडी देखा जाए तो भारत की कंपनियां पिछले साल से ही 1.5 गीगावाट की सोलर प्रोजेक्ट को बांग्लादेश में सेटअप कर रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा पिछले साल जून के महीने में भारत की अमारा राजा ने बांग्लादेश में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने की शुरुआत की थी, ताकि बांग्लादेश की जो बिजली की जरूरतें हैं वह पूरा हो सके, जिसके लिए भारत की सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली यह कंपनी बांग्लादेश में $130 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है और ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि भारत की सोलर प्लांट सेट करने वाली इस कंपनी ने बांग्लादेश की एक रूरल पावर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया था, और इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पर अमारा
राजा भारत की सोलर मॉड्यूल बनाने वाली प्रीमियर सोलर पावर टेक के साथ मिलकर काम कर रही है। और कमाल की बात यह है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश में जो सोलर पावर जनरेशन प्लांट सेटअप किया जा रहा है, उसके लिए भारत की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की तरफ से $130 मिलियन का फंड भी पिछले साल ही एलोकेट कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यह सोलर प्लांट इस साल यानी कि 2024 के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण थोड़ा कम या ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि भारत की यह कंपनी सोलर प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि यह भारत की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी इंटरनेशनली दूसरे देशों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और इन्हीं सब कंपनियों के बदौलत आज के समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चर मार्केट बन चुका है, यानी कि पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश में भारत के द्वारा पहले से सोलर प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, जिसके लिए बांग्लादेश का कम से कम खर्च बैठने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत के बजाय चीन की कंपनियों को अपने देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने सेटअप करने के लिए बुला चुकी है, जिससे आने वाले समय में अब बांग्लादेश में चीन की कंपनियां घुसने वाली हैं, और वह कंपनियां बांग्लादेश की लोकेशन का भरपूर फायदा उठाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की नई सरकार को लग रहा है कि वह भारत के खिलाफ जाकर चीन से ज्यादा फायदा उठा लेंगे। लेकिन यहां पर चीन बांग्लादेश को लूटने की किस तरीके से स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने वाला है, इसके बारे में शायद ही बांग्लादेश की नई सरकार ने कभी सोचा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है, लेकिन पिछले 2-4 सालों से जब भारत जैसे देशों ने सोलर मार्केट में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, तो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों से चीन की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि चीनी कंपनी के द्वारा बनाए गए सोलर पैनल थोड़े सस्ते जरूर हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है कि दुनिया भर के डेवलप्ड देश चीनी कंपनियों से परेशान हो चुके हैं। इसलिए जब वहां से चीनी कंपनियों को भगाया गया, तो वहां के मार्केट में भारत और जापान जैसे देशों की कंपनियों को घुसने का मौका मिला, और इंडियन सोलर पैनल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अब ज्यादातर कंट्रीज में इंडिया में बनाए गए सोलर पैनल की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके कारण चाइनीज मैन्युफैक्चरर की सोलर इंडस्ट्री घटती जा रही है। इसलिए अब चीन की कंपनियां बांग्लादेश में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगी, और यहां पर बांग्लादेश की लोकेशन का लाभ उठाते हुए खुद के द्वारा बनाए गए सोलर पैनल को मेड इन बांग्लादेश के नाम पर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसा लूटना फिर से शुरू कर देंगी, और यहां चीन को ज्यादा मार्केटिंग का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर चीन बांग्लादेश को थोड़ा बहुत लालच देकर उनके नाम का फायदा खुद उठाने जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की नई सरकार की अक्ल ठिकाने लगने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।